हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू गेट सीएस कोचिंग। सो आज हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जॉब नोटिफिकेशन लेके आए, जो बहुत ही अच्छा है। 12 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा और ये बहुत जमेदार है, एकदम फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। तो इसके सारे चीज हम लोग देखेंगे, जो बहुत सारे अब देखे हुए, ये सोच रहे होंगे कि सर किसके तो बहुत सारे वीडियोज लोग बनाए हैं, तो आपने आ गए। मैं इसका डिटेल एनालिसिस दूंगा पूरा, लेकिन आपको क्या है, आपका समय बचाऊंगा, कि कुछ लोग ये नहीं बताओगे कि बॉन्ड है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन रहता है, जो लोगों को पता नहीं रहता है। तो वो चीज भी हम लोग जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एवरीथिंग वी आर गोइंग इन डेप्थ, ठीक है। और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे हम लोग। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ये जॉब नोटिफिकेशन मिले। और अभी टाइम भी है, और अब जॉब को अप्लाई करें और ट्राई टू गेट ए जॉब, गुड जॉब। इट्स ए मिनी रत्ना कैटेगरी से, देखिए ये मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी है। रत्ना कैटेगरी मिनी है, बट इट्स ए रत्ना कंपनी। सो पीएसयू ऐसे ही अच्छा होता है, ऊपर से एक मिनी रत्ना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे लोगों को बता देता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस गेट फैकल्टी हूँ। सो जो मुझे नहीं जानते हैं, वो उनके लिए ये ऐसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखे होंगे, थैंक यू एवरीवन। इवन मुझे यूट्यूब में 50K+ व्यूज आप लोगों ने दिए, दैट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू पीपल ऑल। और हमारा कंटेंट बोथ इंग्लिश और हिंदी, कभी पूरा इंग्लिश या हिंदी में भी पूरा रहता है, जैसे ये वीडियोज में इंग्लिश हिंदी दोनों में बना रहा हूँ। सो लैंग्वेज कंस्ट्रेंट कभी हमारे चैनल को नहीं रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सो हमारे स्टूडेंट नॉर्थ साउथ दोनों में, जैसे आप लोग भी जानते हो कि मैं अभी बैंगलोर में पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे संडे क्लासेस मेरी बैंगलोर में हो रही है, IMS गेट अकेडमी में। तो फिजिकली मैं तो IMS गेट अकेडमी में ही पढ़ाता हूँ, और कहीं में नहीं पढ़ाता हूँ। और कभी कभी देखिए, मैं इसके लिए बहुत टाइम निकाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये सब जॉब नोटिफिकेशन मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट एक अच्छे जगह पे जाके पहुँचे, इसीलिए मैं पहले मेरे टीम वीडियो बनाती थी, तो मैं फिर सोचा मैं आता हूँ ताकि आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इसे शेयर किया कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले। हम सब इंजीनियर एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छे जगह रहे, अच्छे जगह एस्टेब्लिश्ड हुए, हम सभी को जॉब मिले, ये हमारा एम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा शेयरिंग केयरिंग, और आपको अपने दोस्तों को भी मदद करना होगा, और कंपटीशन भी करना है, लेकिन फ्रेंडली कंपटीशन करना है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग सब चीज़ों पे जाएंगे, कभी ना कभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आज तो मैं आप लोगों के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI आप लोग बहुत सुने होंगे, ये आपके लिए लाया है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, और मजा की बात ये है कि इसमें सारे बीटेक वाले एलिजिबल है, किसी भी स्ट्रीम के हो, और फिजिक्स या मैथ किसी एक करिकुलम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स एंड मैथ शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर ग्रुप। और हम लोग का रहता ही है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी एक सेमेस्टर में रहता है। और एक क्या कि BSc वाले भी एलिजिबल है, जो इसका फिजिक्स में BSc हो या फिर मैथ्स में। और यहाँ आप देखोगे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 400 है। सो हम लोग को तो ऐसी वैकेंसीज कम मिलती है, लेकिन चलिए CS वालों को भी वैकेंसीज मिलेंगी। और ये कैटेगरी वाइज रिजर्व है, जनरल का 163 है, फिर EWS है, OBC नॉन क्रिमिलियर है, SC ST है। सो इस तरह वैकेंसीज दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पैकेज आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 12 लाख रुपए सोच रहे हो, एनुअल भी गवर्नमेंट जॉब, 12 लाख मीन्स इन हैंड आपको अच्छा मिलेगा, लाख रुपया का सैलरी है। सो एक अच्छा है, इसके साथ आपको ये होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आपको बोलना और लिखना आना चाहिए, ओके। सो द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम प्रोफेंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+12 का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 10+12 होने से। तो वो तो हर एक इंजीनियर का रहता ही है, इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं, इतने भी हम लोग गए गुजरे नहीं है, तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, देखिए ये दे दिया है कि टेंटेटिव है, बढ़ और घट सकता है। तो वो तो सारे गवर्नमेंट जॉब में इसी तरह रहता है, थोड़े बहुत वो करते हैं, अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ तो वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जो भी डिग्री उन्होंने कहा वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, और जनरली सभी कॉलेजेस का रिकॉग्नाइज्ड ही रहता है। जैसे बंगाल में आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर बैंगलोर में पढ़ रहे हो, तो वो भी रिकॉग्नाइज्ड एफिलेटेड रहता ही है, ठीक है। कि नॉर्मल किसी भी स्टेट के ले लो, मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे 60 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपको होना ही चाहिए, बीटेक हो, बीई हो, बीएससी हो, सब एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैक्सिमम एज लिमिट क्या हुआ है आपका, 27 होना चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं। और ये एज कैसे क्या कंसिडर होगा, एज ऑन 14/7/2022 मतलब 14 जुलाई तक, लेकिन रिलैक्सेशन भी है। अब आप पीडब्ल्यू में हो तो 10 साल का है, जो जनरल गवर्नमेंट देती है वो है आपको, एससी एसटी का 5 साल है, ओबीसी नॉन क्रिमी, जब भी ओबीसी का बात हो ना तो ओबीसी जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता है, ओबीसी नॉन क्रिमी लेयर को ही मिलती है, उसके लिए आपको 3 साल मिलेगा, ठीक है। और आपको देखिए एक सर्विस मैन है तो एज रिलैक्सेशन भी है, जिस तरह दिया जाता है टाइम टू टाइम वो भी दे रहे हैं। सो अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 10 ईयर फॉर कैंडिडेट हु आर इन रेगुलर सर्विस ऑफ एआई। सो जो रेगुलर सर्विस में थे एआई उसको भी मिलेगा। और ये सब जैसे आप सोच रहे हो सर ये डेट ऑफ बर्थ लेके करेगा कि कुछ और सर्टिफिकेट लेके एज कंसिडर किया जाएगा, तो ये डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए द डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। सो जैसे जो एडमिट कार्ड होता है सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, उसमें जो लिखा हुआ है उससे ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो और कोई देखिए लिख दिया नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन, कोई और चेंज के लिए ये एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोगों का कुछ भी डाउट रहे, कुछ अगर लगे कि सर मुझे ये जानना है, तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करके ये जरूर बताया कीजिए कि ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ जॉब नोटिफिकेशन, इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो कमेंट करते हैं ना तो मुझे, मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ और अच्छी तरीके से। तो कमेंट किया कीजिए हमें सर, वीडियो को लाइक एंड कमेंट तो करना है। और एक चीज़ देखिए, ये तो स्टार्ट अभी हाल फिलहाल हुआ है, आज 16 तारीख है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो कब लाइव होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग 16 को कर रहा हूँ, और ओपनिंग डेट हो गया ऑनलाइन का 15th को, ठीक है। 15 से शुरू है, 15/6/2022 मींस 15 जून से शुरू है, लास्ट डेट तो भाई जुलाई तक है 14। तो ये 14 जो इसका है ना, लग रहा है फेवरेट नंबर है, 14th जुलाई को, डेट ऑफ बर्थ भी 14 जुलाई तक होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट भी 14 जुलाई तक उनको होना चाहिए, सब कुछ उनको 14 जुलाई तक ही चाहिए। अब सबसे मजे की बात, सैलरी देख लीजिए, इससे इससे वैरी करेगा, पर मंथ का वो दिए हैं रिम्यूनरेशन। अब देखिए बेसिक पे के अलावा कितना कुछ मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मतलब बेनिफिट्स होते हैं, 35% ऑफ बेसिक पे होते हैं, आपका बेसिक पे डिपेंड करेगा कितना, एचआरए है, अदर बेनिफिट्स है, सीपीएफ है, ग्रेचुएटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है, और बहुत कुछ है। तो बता दिए कि सीटीसी जैसे कॉस्ट टू कंपनी होता है कि एक रिसोर्स के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, तो 12 लाख रुपया तो आपको उनको लगेगा, मींस आपका सीटीसी जितने जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो ग्रेचुटी और ये सब देके उनको 12 लाख रुपीस लग जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये एलिजिबल तो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, कैसे प्रोसीड्योर होगा, सब होगा, मैं सब बताता हूँ। अब इसके लिए क्या है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, भाई इंडियन तो है, ये हो ही जाएगा, चलो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग सोचते होंगे सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं, फाइनल ईयर बोल दिया एलिजिबल है, कोई टेंशन की बात नहीं, बस क्या है भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए इस तक। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लिख दिए होंगे कि जब वो रिजल्ट, ये रिजल्ट के लिए नहीं, मतलब जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब आपको रिजल्ट देना है, कहीं लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कहीं पे, देखिए सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो तो भैया आपको रिजल्ट देना होगा, अगर इधर उधर किए तो गए, लिख दिया फेलिंग विच नहीं कर पाए देयर कैंडिडेटचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर द फर्दर प्रोसेस, तो गए, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। सो ऐसे जनरली मिल ही जाता है, तो उसको लेके कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बाय चांस आपके किसी सेमेस्टर में कुछ हुआ और या फिर बैकलॉग हो तो गए, और नहीं तो कॉलेज ही बहुत महान हो जो रिजल्ट देने में इतना देर करता है तो भी गए, तो भगवान भला है उस लोगों का, ठीक है। और ये सब बोले जनरल इंस्ट्रक्शन है, सारा चीज पे देखिए बोल दिए हैं 14, जैसे एससी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं आप बना रहे हो, जैसे कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर शुड नोट दैट दे मस्ट हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट ऑन एंड बिफोर, ठीक है। तो मतलब 14/7/22 के पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबका डालना है, जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट बोले कि मैं ओबीसी में हूँ तो भैया डालो, तो डालोगे तो 14/7 के पहले डालना पड़ेगा, अभी बनाने जाओगे तो एक महीना तो बनेगा नहीं, अगर सोर्स है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, सोर्स है तो आप कर सकते हो, लेकिन जनरल लोगों के, हम लोगों से तो नहीं होता। तो ये यहाँ पे सब चीज़ दे दिए कि आपको सब चीज़ 14/7/2022 तक के अंदर करना होगा, ठीक है ना।
ये जॉब तो मैं जब देखा ना मुझे बहुत सही लगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा अगर 59.99% है तो क्या होगा, इन्होंने बोल दिया है नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है, आपको लेस देन अगर हुआ राउंड अप मैं नहीं करने वाला हूँ, यहाँ बोल दिया है पूरा। ठीक है तो आपको तो 60 कम से कम चाहिए, 60 से अब होगा तो बहुत अच्छा। अब सिलेक्शन प्रोसीड्योर भी मैं जाऊंगा। अब दूसरे लोग कुछ लोग रहते हैं कि जो गवर्नमेंट के भी रहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है अब सिलेक्शन प्रोसीड्योर पे जाते हैं। अब जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका पहले रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर रिटर्न एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, आपने डाल दिया, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब, सॉरी ये सभी सब चीज़ होती है। तो आपके बैकग्राउंड भी तो देखे जाएंगे कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देखते होंगे लोगों के बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। सो सरकास्टिक वे से बोल रहा हूँ, ऐसे आई बिलीव दैट सारे हम लोग स्टूडेंट जितने जो कम्युनिटी है वो अपने बैकग्राउंड को ठीक ही रखते हैं। ठीक है तो और रखना भी चाहिए, ये सब चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सीरियस मैटर है कि अपने बैकग्राउंड पे कभी इफेक्ट मत कीजिएगा, चाहे आईटी में जॉब करो या किसी में करो, वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन ये सब करते हैं। ठीक है तो थोड़ा टेक केयर कीजिए उस पर, ज़्यादा गुस्सा आए किसी को मार मत देना। ठीक है तो वो सब चीज़ों पे देखना। अब यहाँ पे ये भी है साइको टेस्ट भी वो कर रहे हैं, देखिए कैंडिडेट विल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब वो टेस्ट करेंगे सब, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का टेस्ट है, थोड़ा क्रिटिकल एरिया है, तो ये सब चीज़ों पर उनको ध्यान रहेगा। तो आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा जो इस पर ये सब वो टेस्ट करेंगे, इससे सारे मेडिकल स्टर्म है तो हम लोग तो MBBS है नहीं जो इतना समझ पाएंगे, बस आप इतना समझ जाइए कि आपका ब्रेन के बारे साइक्यो एक्टिव टेस्ट तो वो करेंगे। और सिलेक्शन होने के बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दे दिया है, ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल ऑल्सो अटेंड ICA 0, सो ओ नॉट 0, ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफेंसी लेवल 4, मीन्स बोले ना कि आपका लैंग्वेज का भी प्रोफेंसी टेस्ट होगा, तो आपको मिनिमम प्रोफेंसी उसमें 4 या 4 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, लेवल 4 फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ लाइसेंस और रेटिंग, लाइसेंस के लिए चाहिए, अगर नहीं ले पाए तो गए। देख ले लिख दिया है कैंडिडेट हु इज नॉट एबल टू अटेन ICAO प्रोफेंसी लेवल 4 और अबव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही इज और हर सर्विस आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड, तो वो टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन देखिए ट्रेनिंग में अगर वो लिए ना तो बहुत कम चांसेस ही होता है कि वो टर्मिनेट करेंगे, तो वर्स्ट कंडीशन में ऐसा होगा कि आपका लेवल 4 ना आए, लेवल 4 ऐसे जनरली आ जाएगा, थोड़ा तो हम लोग इतने भी गधे नहीं है कि इंग्लिश इतना भी खराब है। ठीक है अब आता है ये जो एग्जाम होगा, तो मैं बता दिया आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है शॉर्ट लिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम होगा, ओके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा, सब मैं बता दिया आपको। हाँ चलो अब कुछ लोग जैसे मैं बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, PUCs में जो करते हैं, तो सबको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको देना होगा, अगर वो नहीं दे पाए उसके वजह से कुछ और लाए, जैसे रेजिग्नेशन लेटर लाए कुछ और लाए, उस काम नहीं चलेगा, वो नहीं लेने वाले, उनको NOC से ही मतलब है। ठीक है तो आप भैया अगर आप ये सब में काम कर रहे हो तो NOC ढूंढो तभी अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई मत करो, NOC नहीं मिलेगा तो अप्लाई करने का फायदा नहीं। अब चलो हमें जॉब लग गया, अब काम करना, लेकिन बाई चांस काम पसंद नहीं है तो गए भाई 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, देख लो कैन बोल दिया है कि 7 लाख का बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग या मतलब आप छोड़ नहीं सकते ट्रेनिंग पीरियड में, कम से कम 3 साल आपको जॉब करना पड़ेगा, लिखा हुआ है सेल हैव टू एग्जीक्यूट ए सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 7 लाख टू सर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में भी सर्व करना है एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग होने के बाद कम से कम तो 3 साल आपको करना है, नहीं तो 7 लाख का बॉन्ड साइन होगा, 7 लाख रुपया दो, अरे इतने पैसे रहेंगे तो हम एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में क्यों जॉब करेंगे, तो सोच समझ के ही जॉब करना, अरे जॉब करोगे तो मन लग ही जाएगा। ठीक है अच्छा ही है, अच्छा नहीं रहता तो मैं खुद वीडियो नहीं बनाता, सो एक अच्छी जॉब है। अब देखिए अब लोग सोचते हैं सर जॉब लोकेशन कहाँ आएगा, अब जॉब लोकेशन भैया है कि आप बंगाल के हो या बैंगलोर के हो या कनाडा हो, कनाडा वाले तो ऐसे एलिजिबल नहीं है, धर लेते हैं बिहार के हो, कहीं के भी हो वो कहीं भी पोस्ट कर देंगे, आप बोलोगे मुझे बंगाल चाहिए नहीं देंगे, वो उनका मन, जहाँ रिक्वायरमेंट वहाँ आपको भेज देंगे। सो एनी वेयर इन इंडिया, गुजरात में भी भेज सकते हैं, जम्मू में भी भेज सकते हैं। ठीक है सो जॉब लोकेशन ऐसे जनरली ऑलमोस्ट ऑल जॉब का ही, जहाँ फ्रेशर फ्रेशर एलिजिबल रहते हैं वो एनी वेयर इन इंडिया रहते हैं। ठीक है इसमें गलत बात नहीं है,
वो आपको एचआरए उचारे सब दे रहे हैं, रहने का रहेगा सब कुछ, इतने इतने बेनिफिट्स है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जॉब लोकेशन लेके कोई ऐसा मत सोचना कि अप्लाई नहीं करें, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉब लोकेशन कहीं भी है, सैलरी भी अच्छी है, 12 लाख रुपया सीटीसी है, फिर 60% ही चाहिए, बीटेक भी एलिजिबल है, बीएससी भी एलिजिबल है, बस फिजिक्स और मैथ चाहिए रहता ही है, ठीक है। सो ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिलेबस ये दिए नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा कि कैसा एग्जाम होता है, उस पर रिसर्च कीजिएगा, इंटरनेट तो है, गूगल बाबा जिंदाबाद, सब कुछ मिल जाएगा, कैसा एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, पुराना क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करो, देखो, फिर लग जाओ प्रिपरेशन में, ठीक है। अब ये कुछ महान लोगों के लिए है जो गलत सलत भर देते हैं और प्रोड्यूस नहीं कर पाते रिजल्ट, उसके लिए लीगल एक्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई तो भैया सिर्फ एक ही मोड से होगा, ऑनलाइन, और जो आपकी वेबसाइट है www.aai.aero, उसके कैरियर सेक्शन में जाइए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और कहीं से नहीं होगा। इनकम्प्लीट होना नहीं चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही है। वहां से कैरियर पे जाओ, अप्लाई करने जाओ, पोस्ट का नाम हमने देख ही लिया है, क्या पोस्ट का नाम था, सो जूनियर क्या था बताइए, कमेंट कीजिए, सो जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो उस पे जाइए, बस अप्लाई कीजिए, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, सो वहाँ पे ऐसे भी ऑलरेडी लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे चाहिए। अब आप जो भी बोलोगे कि मैं ओबीसी हूँ, तो उसका भी सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, तो सब आपको डालना होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, फोटोग्राफिक इमेज होना चाहिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ये डायमेंशन होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। अब सिग्नेचर करेंगे तो ब्लैक इंक से करेंगे, व्हाइट पेपर में करेंगे, तो डायमेंशन और ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरा चीज़ पे, जो हम लोग का ख्याल रहता है, सर एप्लीकेशन फ़ी कितना है। थोड़ा तो इस पे ज़्यादा लग रहा है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है, लेकिन लड़कियों के लिए तो बल्ले बल्ले है, सिर्फ 81। अब लड़की हो, डिग्री है, तो अप्लाई कर लो, 80 रुपये 100 रुपये का तो फुचका लोग खा लेते हैं एक दिन में, तो एक दो तो रिस्क तो ले ही सकते हैं ना, SC ST हो तो करना ही है, 81। अब मुझे क्लास में जनरली लोग बोलते हैं, सर जनरल वाले लोगों का तो हालत खराब है, तो ऐसा नहीं है, अब हमारे पूर्वजे कुछ गलती किए तो उसके करना ही पड़ेगा भुगतान, और लड़की बचाओ होता है अभियान, क्योंकि आप देखते हो अभी भी गांव में है, तो इसको लेके बुरा मत मानो, ठीक है, हम लोग भी पे करेंगे 1000 रुपये, चैरिटी कर दो सोच के। और लेकिन अगर लड़की हो, एलिजिबल हो और जॉब करना है, मतलब थोड़ा तो रहना चाहिए अंदर से कि भाई हाँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब करना है तो अप्लाई करो, 81 रुपीज़, इट्स नॉट ए बिग नंबर। अब और एक देखो, PWD और जो अप्रेंटिस किए हैं AI में, एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके तो फीस ही नहीं लग रहे हैं, देख लीजिए, 1 साल भी अप्रेंटिस किए हैं तो उनका फी नहीं लगेगा, तो अच्छी बात है। ये सारे कैटेगरीज वाले लोग के लिए तो बल्ले है, अप्लाई करो, बस खुशी खुशी जॉब लो, वैकेंसीज भी है, ठीक है। तो मैं तो लगभग सभी कुछ कर दिया। अब कुछ लोग हमारे जैसे महान रहते, सर मैं अगर ट्रैवल करूंगा तो क्या वो मुझे रिएम्बर्समेंट देंगे, तो भैया उन्होंने कह दिए हैं कि TA DA वो लोग नहीं देने वाले हैं, कि जैसे कुछ कुछ रहता है, अगर हम लोग इंडियन डिफेंस में कुछ जाते हैं SS SSB के लिए, तो ट्रैवल अलायंस वो सब देते, तो यहाँ लिख दिया नो ट्रैवल अलायंस, DA कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट बाई लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें प्रिफर हो उसमें दो एग्जाम, ठीक है। तो सब चीज मैंने कवर कर दिया, अच्छा से पढ़ो और अप्लाई करो, मजे से एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लो, और उसके बाद मुझे भूलना नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और लाइक तो करना है। अब कुछ भी सम डाउट हो या फिर कुछ लगे तो पूछो, कमेंट करो, कमेंट तो करना बनता है ना। चलो बाय एवरीवन।